सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों में भारत ने तकनीकी क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति प्राप्त की है, और जब उन्नति की बात हो ही रही है तो आखिर भारत का किसान पीछे क्यों रहे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंकड़ों का कहना है कि भारतीय किसान अब नई तकनीकों का इस्तेमाल करके गन्ने की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए रिंगपिट विधि का उपयोग कर रहा है। गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में सुधार करने के लिए किसानों द्वारा अपनाई गई इस नई और कुशल पद्धति को रिंगपिट विधि कहा जाता है, जिससे वे गन्ने की बेहतरीन पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। इस नए तकनीकी समृद्धि के चलते किसान अब गन्ने के खेतों में विशेष रिंगपिट बना रहे हैं, जिससे जल संचारण में सुधार हो रहा है और पूरे खेत में उचित पोषण पहुंच रहा है। इसके अलावा रिंगपिट विधि के माध्यम से सिंचाई को प्रबंधित करने की क्षमता भी बढ़ गई है, जिससे पानी का उचित उपयोग हो रहा है और समृद्धि में वृद्धि हो रही है। किसान समुदाय इस नई प्रक्रिया को अपनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहा है और यह विधि उन्हें अधिक मुनाफा प्राप्त करने में भी मदद कर रही है। इस उत्कृष्ट प्रयास से गन्ने के खेतों में पैदावार में वृद्धि होने की उम्मीद है और यह नई तकनीक किसानों को आधुनिक और सामर्थ्यपूर्ण तरीके से कृषि करने का एक नया माध्यम प्रदान कर रही है। इसी मुहिम में शाहपुर क्षेत्र के किसान गन्ने की बंपर पैदावार करने के लिए रिंगपिट विधि का प्रयोग कर रहे हैं। गांव काकड़ा के किसान नरेश पुत्र बेगराम ने रिंगपिट विधि से 5 बीघा गन्ने की बुआई कर रखी है। खेत में खड़ी गन्ने की फसल को देख राहगीरों के कदम बरबस रुक जाते हैं। गन्ना विकास परिषद मंसूरपुर के गांव काकड़ा में नरेश पुत्र बेगराम मध्यम वर्गीय किसान है। गन्ने की अधिकतम पैदावार लेने के लिए उन्होंने रिंगपिट यानी गड्ढा विधि से गन्ने की बुआई की है। 5-5 फुट वर्गाकार की दूरी से गन्ने की फसल की लाइन खेत में कहीं पर भी खड़े होकर देखे तो सीधी दिखाई दे रही है। आइए उनसे ही जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हाँ जी, मैं नरेश कुमार सनो बेगराम, गांव काकड़ा, जिला मुजफ्फरनगर, समिति मंसूरपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जमीन में रिंगपिट विधि से गन्ना उगाया, इसका मुझे बहुत लाभ मिला। इसके लिए एक तो कम से कम जमीन प्रयोग होती है 30-35%, और गन्ने को खुले हवा मिलती है जिसमें हम रोग भी बैक्टीरिया भी मतलब बहुत कम आते हैं, और इसमें दूसरी फसलें भी होती है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे बरसी उगाई है, इसका एक लोर मैंने काट लिया, अभी दूसरा तैयार होने लग रहा है, और इसकी जो अक्षमता होती है परसेंटेज वो करीबन साधारण विधि से काफ़ी अच्छा निकलता है, मतलब 35-40% ऊपर निकल जाता है। और मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मेरे और किसान भाई भी इसका प्रयोग करें तो भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा, और इससे चीनी भी ज़्यादा निकलती है, इसमें चीनी की भी मात्रा ज़्यादा निकलती है। चीनी मिल को भी बहुत फायदा होता है इससे, क्योंकि इसमें गन्ना संपूर्ण रूप से पक जाता है, कोई गन्ने में पकने में कमी नहीं रहती, और इससे कम में सम इसमें खर्च होता है। एक बार पानी देने के बाद में 30-40 दिन पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और मेरे अंदाजे से तो बहुत ही मुझे इसमें लाभ मिला है जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।